स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को सबसे पहले भेजा जाता है, लेकिन स्कूल की स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि आए दिन रेप और मर्डर का मामला स्कूल से सामने आ रहा है। एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ आज श्रीवास्तव। हाथरस में बीते सप्ताह एक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से सनसनी फैल गई थी। बच्चे के परिवार के लोग जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालक छात्र का शव अपनी गाड़ी में लेकर भाग गया, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही थी। मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरक्की के लिए कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की बलि देने का प्लान था, लेकिन प्लान फेल होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हाथरस पुलिस सूत्रों के मुताबिक कक्षा 2 के बच्चे की बलि स्कूल के बाहर ट्यूबवेल पर देनी थी, लेकिन बच्चे को जब स्कूल के कमरे से लेकर निकले तो बच्चा जाग गया था, इसलिए आनंद फानन में 3 लोगों ने बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दिया। जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को राज नाम के बच्चे की बलि देने का प्लान था, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। वहीं पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार कर और पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया, जिसके मुताबिक आरोपियों ने 6 सितंबर को कृतार्थ कुशवाहा नाम के लड़के की हत्या की प्लानिंग की थी। आरोपी जब बच्चे को लेकर जा रहे थे तभी बच्चे ने शोर मचा दिया, जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। जांच में स्कूल के पीछे लगाए गए नल के पास से तंत्र मंत्र का सामान भी मिला था, जिससे पुष्टि हुई थी कि स्कूल में तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस की जाती थी। हत्या का मकसद बलि देने से स्कूल की समृद्धि को लेकर था। स्कूल संचालक ने विद्यालय की तरक्की के लिए कर्ज भी लिया हुआ था। संचालक को लगता था कि बलि देने से स्कूल तरक्की करेगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जर्नी टाइम्स।